यहाँ पे फनाटिक के एश को नॉक करते हैं, बट स्काउट विल बी देयर फॉर द ट्रेड ऑफ। यहाँ पे कैरी को नॉक करते हुए टीम तमिलनाडु के स्ट्राइकर काफी ज्यादा लो एचपी पे आ चुके हैं और स्काउट कभी भी किसी भी मोमेंट पीक इन कर सकते हैं, और यस पीक करके यहाँ पे स्ट्राइकर को भी नॉक कर चुके टीम फनाटिक। बहुत ही प्यारा कंपाउंड होल्ड करती हुई तीन टीम्स यहाँ पे बचे और टीम तमिलनाडु की स्क्वाड बहुत ज्यादा दिक्कत में लग रही है। मैंटी के ऊपर फिर से भार आता हुआ अपने टीम का, देखना पड़ेगा कि मैंटी क्या लास्ट तक सर्वाइव कर पाते हैं क्योंकि किल्स अच्छा खासा इन्होंने निकाल रखा है, बस अभी पोजीशन के लिए खेलना पड़ेगा। और काइंड ऑफ इन द ओपन यहाँ पे लेटे पड़े, किसी भी मोमेंट यहाँ पे स्पॉट किए जा सकते हैं। स्काउट के पास बहुत सारे एडवांटेजेस है, पहले तो गिली सूट भी है उनके पास, बट अभी इतने छोटे सर्कल में इतना ज्यादा नीड नहीं रहेगा। टीम तमिलनाडु के मैंटी ने यहाँ पे फनाटिक के एश को जरूर नॉक तो कर लिया है, बट एट द सेम टाइम अपना पोजीशन जो है वो रिवील करते हैं और रौनक यहाँ पे कोशिश करेंगे इसका फायदा उठाने के लिए। रौनक ने पीक लेने की प्रयास करी थी बट एट द सेम टाइम मेड श्योर कि वो उनके ऊपर शॉट्स ले, बट एनीवेज रौनक स्टिल कमिंग आउट ऑन टॉप। इसी के साथ टीम फनाटिक ने यहां पे टीम तमिलनाडु को वाइप आउट कर दिया। तो फाइनली ये जो फाइट होने वाला है इट्स गोइंग टू बी अ 4v3 फाइट। तो टीम डेड आइज की स्क्वाड अभी है, तीन प्लेयर्स उनके बचे अभी तक। टीम फनाटिक के चारों धुरंधर अभी भी जिंदा है और फनाटिक जिस लय में चल रही उन्होंने भी बहुत ही प्यारे 10 किल्स निकाल रखे हैं और इल्यूजन सर के ऊपर काफी ज्यादा डैमेज पड़ रहा है, शायद जोन के बाहर है और प्लेयर जोन से मर चुके हैं। तो अभी टीम फनाटिक के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है, दो प्लेयर्स बचे हैं उनको ऑलरेडी संकेत मिल चुका होगा और अभी पुश करना चाहेंगे। देखते हैं यहाँ पे चारों तरफ स्मोक्स डाल रखे हैं, ओवेस ने बहुत अच्छा एंगल ले रखा है और लेजी सर कोशिश करेंगे कि इल्यूजन सर को पुश इन करें, बट यहाँ पे वाडू सर ने अब यहाँ पे नॉक कर दिया है इल्यूजन सर को और लेजी सर, आई गेस लेजी सर अभी भी जिंदा है। ओवेस नॉकआउट हो चुके, रौनक ने वहां पे वाडू सर को नॉक किया, आश ने यहाँ पे अच्छा खासा कोशिश करा था बट टीम फनाटिक इंस्टेंटली ताश के पत्तों की तरह बिखरते हुए चली गई और लेजी सर अकेले बचे थे और उनको आई गेस टीम फनाटिक के रौनक ने फिनिश कर दिया और टीम फनाटिक टेकिंग दैट चिकन डिनर येट अगेन। व्हाट अ लास्ट मोमेंट हर्ट स्टॉपिंग क्लच था ये, बिकॉज फनाटिक मुझे एक बार लगा ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएंगे, तीन प्लेयर्स नॉक हो चुके थे बट नो, रौनक अपने होश नहीं खोया था, नहीं खोए थे एंड ही केम अप विद दैट क्लच एंड फनाटिक 12 किल का चिकन डिनर एंड दैट्स